इस स्ट्रैटेजी में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज है विद मल्टीपल इंडिकेटर्स। हर इंडिकेटर का अपना काम है, जो कोई आपको खड़े रहने का काम करवाता है, कोई आपको पलटने का काम करवाता है, कोई जल्दी एंट्री का काम करवाता है, जो कोई जल्दी एग्जिट का काम करवाता है। हर का अपना अपना काम है और हर का काम डिफाइंड है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो, उसमें ये डायनामिक है, ये बाजार के हिसाब से अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेती है। दैट इज द पावर दैट दिस स्ट्रेटजी हैज। चार दिन पहले एक मतलब फॉरवर्ड टेस्टिंग के जैसे किया है, नोट किया, जब एंट्री लिया उसके बाद पहला दिन 900 का लॉस, सेकंड दिन 700 का लॉस, थर्ड डे या फोर्थ डे 25,000 का प्रॉफिट। बीटा ट्रेडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है सर जी, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो उससे बड़ा रिटर्न नहीं है। काजी सर ने ऑन वन डे टाइम फ्रेम शुड आई यूज वीकली और मंथली ऑप्शन हेज, इनका ये सवाल है वन डे टाइम फ्रेम पे। ओके, तो पहले तो मेरा काजी सर से ये पूछना रहेगा कि वो इस स्ट्रेटजी को ऑप्शंस पे अप्लाई कर रहे हैं जो उनका ये क्वेश्चन है, या वो सिर्फ हेजिंग के बारे में जानना चाहते हैं। काजी सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप प्लीज अपना क्वेश्चन सर से पूछिए अपने आप को अनम्यूट करके। इट्स अ प्लेजर टू सी यू, वेलकम। सेम हियर सर, थैंक यू। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस स्ट्रेटजी फॉर पास्ट 2 months ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड आई हैव बीन जनरेटिंग गुड रिटर्न्स। तो मेरा कुछ अभी तक के मैं हेजिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल कि कौन से ऑप्शन से हेज करना है। तो क्या मैं वीकली से हेज करूँ, मंथली से हेज करूँ, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो रिटर्न्स कितने डिफरेंट हैं फ्रॉम 45-15 मिनट टाइम फ्रेम। होल्ड ऑन, अभी आप जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं दैट इज वन डे वन आवर, इफ आई एम करेक्ट। यस, वन डे वन आवर। वन डे वन आवर, देखिए सर, अगर आप वन डे वन आवर भी यूज कर रहे हो ना, देन ऑल्सो योर हेजिंग शुड बी ऑन वीकली बेसिस। फर्स्ट आंसर। Now, आपको हेजिंग उतनी ही दूर की उठानी है जितना नॉर्मली उठती है, दैट इज यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी अप्रोक्सीमेटली, लेट्स से एस्पेक्ट से जो हमारे एवरेज एम टू एम लॉसेस होते हैं। अब क्या होता है, अगर आप वीकली बेसिस पे उठाओगे ना, तो जो प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा दैट वुड बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू वन टाइम मंथली। अब अगर आपके ट्रेंड फेवर में आया तो वीकली वाली लॉस नहीं देगी, उसका थीटा बहुत जल्दी इरेडिकेट नहीं होगा, और रिवर्सल आया तो आई वुड बी अगेन इन द बेनिफिट। करेक्ट। द सेकेंड बेनिफिट ऑफ हेजिंग विद वीकली इज, मान लीजिए ट्रेंड आपके फेवर में आ गया 3,000 पॉइंट। करेक्ट। तो आप स्पॉट से सिर्फ 1,000 पॉइंट दूर की हेजिंग करोगे, करेक्ट? करेक्ट। तो योर रिस्क गोज डाउन, जबकि अगर आप मंथली करो तो आप 3,000 पॉइंट दूर की हेजिंग लेकर बैठे हो। करेक्ट। तो दैट वोंट बेनिफिट अगर गैप अप या गैप डाउन आ गया तो, रिवर्सल आ गया तो। गॉट इट। तो आपको हेजिंग वीकली ही करनी है और हर वीक में डिपेंडिंग ऑन द स्पॉट नई वीक की बाय कर लेनी है। Got it. और कोई क्वेश्चन सर? या थैंक यू। और दूसरा क्वेश्चन था रिटर्न्स के बारे में, क्योंकि आपके जो भी रिटर्न्स हम देख रहे हैं ये आई थिंक आर ऑन वन डे 45 मिनट्स 15 टाइम फ्रेम। यस, 45 15 या 30 10 के रिटर्न है ये सारे, 10 के रिटर्न है। तो अब अभी तक के तो मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं रेगुलरली करूं तो कितना, हाफ होंगे, वन फोर्थ होंगे, कुछ एस्टीमेट है आपके पास? आप ये समझिए कि जो वन डे और वन आवर का रिटर्न है ना, वो अप्रोक्सीमेटली जैसे एनुअलाइज बेसिस पे 142% का रिटर्न है फॉर 30-10। करेक्ट। तो वन डे वन आवर में ये रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 70% तक खिसक जाएगा, मतलब इट वुड गो डाउन समवॉट, क्योंकि आप ह्यूजर टाइम फ्रेम्स पे यूज कर रहे हो। तो द प्रॉब्लम इज कि जब रिवर्सल आ रहा है तो वो टाइम ले रहा है। Got it. तो आपका रिटर्न कम, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके बदले में देखें तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो गए, एंड द टाइम यू नीड टू डेडिकेट ऑन द स्क्रीन इज ओनली 1 मिनट वंस इन अ डे, वो भी ये चेक करने के लिए कि कहीं से एग्जिट तो नहीं आ रहा। Exit. That's it. Correct. तो उस केस में उतना रिटर्न कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेड है, क्योंकि जहां मैं 4 सालों में 1183 ट्रेड्स कर रहा हूं, आपके 4 सालों में शायद मुश्किल से 40 ट्रेड आएंगे। Got it. तो दैट इज द डिफरेंस, तो यू वुड बेनिफिट इन ब्रोकरेज ऑल्सो, लेकिन हाँ रिटर्न्स विल गो डाउन अ बिट। गॉट इट। लेकिन फिर भी डिसेंट रिटर्न्स रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, डिसेंट नहीं मतलब यू वुड हैव मच मच मोर हायर रिटर्न्स। लेकिन मेरी आदत हमेशा ये रही है कि रिटर्न दबाकर बताओ,
ज्यादा आते हैं तो अच्छे लगते हैं, कम आते हैं तो दिक्कत होती है. करेक्ट. और एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि ये वॉल्यूम्स पे आपने बोला है कि एक लॉट करना है तो आपके पास 10 लाख होने चाहिए. नहीं सर, नहीं 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 नहीं, दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डिस्कसिंग दिस. अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है तो यू आर डिमांडिंग लेट सपोज एक्स परसेंट फ्रॉम द मार्केट, एक्स परसेंट अब आप बताओगे. Now your that X percent return which you are demanding from the market would define your volume into the market. So let's suppose आप 10 lakhs में बोलते हो कि boss मुझे year on year इसके 10 lakh के 5 lakh और बढ़ाने हैं, यानी 50% return on an annualized basis you are demanding from the market. So you need to trade two lots into the market. Correct. The same 10 lakhs, but because now you are demanding higher returns from the market, you should be prepared for some higher risk. That is some M2M would gonna increase. So you should not stop when that M2M comes. तो सर मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पुट करता हूँ. अब यहाँ पे जब हम लोगों को 1% लॉस होता है, आपने बोला है कि वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करो, देन 1% होता है तो वॉल्यूम 50 करो, तो हम मैक्सिमम 4 लॉट तक के पहुंच जाते हैं. एक मिनट एक मिनट होल्ड करिए इधर. Correct. अब ये 1% मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है. नाउ योर बैक टेस्टिंग रिसर्च शोज कि भाई ये M2M आता है मुझसे नहीं हैंडल होगा, तो यू कैन से ओके आई वुड इंक्रीज माय वॉल्यूम ऑन 2% या 3% या 4% या 5% वंस, दैट इज आल्सो इन योर हैंड. व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द स्ट्रेटजी इज सब्जेक्ट टू व्हाट एपेटाइट यू कैन हैंडल. करेक्ट. तो सर आई कैन हैंडल एट 0.5% आल्सो. करेक्ट. एब्सोल्यूट. तो सर यही स्ट्रेटेजी मुझे करनी है जो आपने जो रिटर्न्स बताए हैं, और मैं मैक्सिमम 1% पे 4 लॉट्स तक के पहुंचना चाहता हूं. आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हाट इज अ गुड कैपिटल? ओके नाउ जस्ट होल्ड ऑन. नाउ अब मैं आपको कैपिटल इंक्रीज करने की परमिशन नहीं देता, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फॉर्म देता हूँ. नाउ यू शुड रिसर्च फॉर लेट्स से 5 इयर्स डाउन द लाइन एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम M2M दैट यू कैन कैट ऑन, मतलब कितना लॉस हो सकता है. जब उतना प्रॉफिट बाजार से आ जाए तो एक लॉट बढ़ा देना. गॉट इट. तो व्हाई डू यू वांट टू गैम्बल ऑन योर मनी? आई एम सेइंग बाजार से कमाओ, बढ़ाते जाओ. एक समय ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि सारा पैसा बाजार से आया हुआ है और जो मेरा रिटर्न है वो मेरा प्योर प्रॉफिट है, मैं जिंदगी भर सिर्फ यही करूंगा आराम से विद अ जीरो रिस्क एपेटाइट. वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव सर, थैंक यू. क्लियर हुआ? बाकी इट्स योर कॉल. ओके थैंक यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. प्लेजर. आशीष जी अप टू यू. सर सुमैया जुली के सवाल लगातार आ रहे हैं हमारे पास, तो एक काम करते हैं. सुमैया सर हमेशा ही आप बताइए सर प्लीज. हम उनको अनम्यूट करते हैं. सुमैया जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज अपना वीडियो और माइक ऑन कीजिए और सर से डायरेक्ट सवाल पूछे जो भी आपके कंफ्यूजन है प्लीज. हेलो आर यू एबल टू हियर मी? हां सुमैया सर वेलकम. यस सर. हाउ आर यू सर? लॉन्ग टाइम. All good. Happy market is peaceful for you now? Yes, definitely. I also want to give a special compliment to IBBM team in front of all the other audience over here who would have not taken the course also. It really benefited multifold. Not only to in position sizing, etc., which are required, and also on the psychology part, which today also you have properly elaborated, which you have done in your that course also. Actually, that is a real key. As I see, it's not the capital you have, how much money you have, because unless you overtake those emotional issues, will not be able to do consistently, and consistency is the key for returns. That is what we properly understood in your course. Almost each one can select based on their psychology, which kind of, you have all variety, good bouquet of courses. Not that every course everybody has to implement just they have money. That is my thinking. End of the day. Pleasure, sir. Thank you for kind words. Bataiye sir, how may I be assistance to you? इसमें ही एक small doubt है. ये जो weekly hedge लेते हैं for this trend trading. If you are into a overnight situation like 30, 10 or 45, so अभी जो वो hedge expiry day में जाके end of the day of expiry we have to wait and then change the hedge, or we have to do in a day in advance, or how it works like? नहीं नहीं सर, expiry के दिन आप 3:15 बजे तक आराम से wait कीजिए. You must wait because hedging has no purpose. I have told you, hedging में जितना कम premium दोगे उतना अच्छा रहेगा.
we are never interested in paying hedgings, because hedging is ultimately, what does it give you? It just give you mental peace. Otherwise, hedging would always take money away from you. अगर मैंने आपको पहले बताया था, मैंने ये डिस्क्लेमर पहले भी दिया था कि मैं अनहेज काम करता हूँ, लेकिन कभी भी अपने ऑडियंस से नहीं बोलूंगा कि वो अनहेज काम करें। तो प्रीमियम जो खत्म होता है ना नेक्स्ट वीक का, वो एक्सपायरी के दिन 325 पे अप्रोक्सीमेटली खत्म होता है। तो आप अपनी अगले वीक की हेजिंग एक्सपायरी के दिन में 325 पे बाय करो सर। ओके ओके, थैंक यू, माय प्लेजर सौम्य सर, थैंक यू। अपना टाइम स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन किया है इसमें, तो वो चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी बेटर हमारे एप्लीकेशन। आई वुड बिलीव हॉर्स राइडिंग वुड बी द बेस्ट वन फॉर हिम। ओके, एंड विजय जी का सवाल है सर, कैन दिस स्ट्रेटजी इज एप्लीकेबल ऑन ऑप्शंस आल्सो? यस। ओके, ये सारे छोटे छोटे सवाल हैं जो बिग टाइम है हमारे पास। द ओनली थिंग ही नीड्स टू नो इज टू हाउ टू हैंडल ऑप्शंस। शेखर काले जी का सवाल आ रहा है, कैन आई अर्न इनकम डिपेंड ऑन वन स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली? क्वेश्चन मैं कभी भी इस चीज के फेवर में नहीं रहता शेखर सर। देखिए, ये स्ट्रैटेजी के बहुत बेहतरीन रिटर्न्स हैं, लेकिन फिर भी मेरा कहना हमेशा एक होता है कि देखिए, कुछ महीने ऐसे आते हैं जब आपको ये स्ट्रैटेजी नेगेटिव रिटर्न दे जाती है। जैसे कि हम एक जनवरी की बात करते हैं, जनवरी में इसमें 2400 पॉइंट्स लगे, लेकिन मैं क्वार्टर की बात करूं तो 4000 पॉइंट इन अ क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च 4000 पॉइंट ओवरऑल, वही 1500 पॉइंट का क्वार्टर, और मैं आपको सारे क्वार्टर चेक करा दूंगा। तो मेरा सजेशन ये होता है कि आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे रहो हमेशा हमेशा। जैसे ये स्ट्रैटेजी खासतौर पे ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी है, यानी इस महीने में ट्रेंड नहीं आया, अटक गया, कोई बात नहीं। इस समय बटरफ्लाई हॉर्स राइडिंग आपको बहुत मोटे पैसे देकर खड़े होंगे, बहुत मोटे, तो मैं उसे एक परसेंटेज फॉर्म में नहीं डालना चाहता, लेकिन इट इज ऑलवेज फीजेबल दैट यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रेटजीज, कम से कम 2 या 3 तो चलाइए। क्योंकि मैं कभी भी, मतलब इट इज नेवर सजेस्टेबल इन द मार्केट टू पुट ऑल योर लेग्स इनटू या ऑल योर एग्स इनटू सेम बास्केट, हैव डाइवर्सिफिकेशन, बुरी बात नहीं है। आप इसी स्ट्रेटजी पे प्योर काम करना चाहते हो तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करो, बैंक निफ्टी, निफ्टी गोल्ड क्रूड, ये एक अलग फॉर्मेट हो गया। हाँ, उस केस में ये इनडायरेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, बट यस, उस केस में आप एक स्ट्रेटजी पे बेट कर सकते हो। दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आई होप योर आंसर इस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर। क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रेटजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाए? तो डाउनलोड कीजिए IBBM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। जी आशीष जी, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट आया है आपके लिए, लेट मी रीड फॉर यू, जस्ट अ मिनट। नो इश्यूज आशीष सर, यू कैन मूव फॉरवर्ड, आई बिलीव टाइम इज अ बिग थिंग। जितेंद्र बिस्वाल जी का है, कंप्लीट, आई एम अ ग्रेट फॉलोअर एंड एप्रिसिएटर ऑफ सिंह साहब, एंड आई एम डूइंग ओनली थीटा ट्रेडिंग इन करंट विक्स एनवायरमेंट इज गुड, इनका सवाल भी है इसमें, is in current VIX environment is it good? वैसे तो theta trading से इसका कोई relation नहीं है, लेकिन फिर भी welcome sir। देखिए जितेंद्र sir, theta trading is a neutral strategy, neutral in the sense वो दो situations को बहुत खूबसूरती से tackle करेगी। मैं आपको situations भी clear कर देता हूँ। पहली situation मैं share screen कर दूँ, just one second, I believe I forgotten to share my screen। एक तो ये वाली situation, इसे थीटा ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरह हैंडल करेगी, ये वाली सिचुएशन, ये बोनेंजा है थीटा ट्रेडिंग के लिए। इस वाली सिचुएशन में थीटा ट्रेडिंग लॉस नहीं देगी, लेकिन पैसा नहीं आएगा। तो अभी जो पिछले 2 महीने गए हैं हमारे पास, ये पूरा महीना ऐसा और ऐसा था, तो यस, थीटा ट्रेडिंग हैज गिवन अस एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स। पहली चीज, थीटा ट्रेडिंग का विक्स से कोई रिलेशन नहीं है, इट्स अ न्यूट्रल विक्स स्ट्रैटेजी। वाई? क्योंकि एक जगह आप विक्स बेच रहे हो और पैरेलल लगी जगह विक्स खरीद रहे हो, तो विक्स सेल और विक्स बाय दोनों एक साथ हो रहे हैं।
अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर इस जगह विक्स कम थी और इस जगह विक्स ज्यादा। जब भी ऑप्शंस में विक्स आएगी वो हर एक्सपायरी में, वो हर स्ट्राइक में इक्वल बढ़ेगी और इक्वल घटेगी। तो अगर आप मुझसे कह रहे हो विक्स ज्यादा हो या कम, हाँ आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर इस स्ट्रेटेजी में विक्स जितनी ज्यादा होगी मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। दैट इज आई एग्री, मतलब जितनी विक्स ज्यादा होगी आपका रिस्क उतना ही कम होता चला जाएगा टीटा ट्रेडिंग में। लेट्स बी ट्रू इन दैट। लेकिन यह विक्स न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है और उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विक्स बाजार में 10 चल रही है, 15 चल रही है, 20 चल रही है, 25 चल रही है, 50 चल रही है, रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंट रहेंगे। आशीष जी अप टू यू। ओके सर, हमारे एक कैंडिडेट हैं मिस्टर जुनैद। जुनैद जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सर के साथ, जो भी आपके सवाल हैं। मिस्टर जुनैद। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून जुनैद जी, वेलकम टू द वेबिनार, प्लेजर टू हियर फ्रॉम यू, प्लीज गो अहेड। यस सर, मैं अभी जैसे पिछले बार मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि मैं 4 लॉट पे उस पर काम कर रहा हूँ, तो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि 2 लॉट इंट्राडे पे कर लो, 2 लॉट पोजिशनल कर लो 30-10 में। तो एग्जैक्टली मैं वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल था कि मान लीजिए कि किसी दिन गैप अप हो जाता है, वो मेरे फेवर में है, अगर अगेंस्ट है तब तो वो ठीक है, उसके सौदा को काट दिया। लेकिन जब मेरे फेवर में आता है और उसके बाद फिर क्या होता है ना सर, वो प्रॉफिट धीरे धीरे, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में जैसे मैं शिफ्ट कर गया, वो जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम होने लगता है। उस केस को थोड़ा सा समझाइए सर, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ओके जुनैद सर, आपको एक टिप देता हूँ, आई बिलीव बाजार में आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर हो। यस सर। जब बाजार में एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन आए, दैट मींस बैंक निफ्टी एटलीस्ट 1 से 1.5% ऊपर या नीचे हो, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। यस सर। उस केस में थोड़े समय के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए बड़े टाइम फ्रेम को छोड़ दो और प्योर छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, यानी उस केस में 30-10 में 30 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि उस समय इंडिकेटर डिसबैलेंस हो गया है। तो लॉक इन प्रॉफिट्स, कम ऑन टू प्योर 10 मिनट्स अप टिल द सिचुएशन द अदर वन बिकम्स इन बैलेंस, तो आपका ये इश्यू एड्रेस हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? I believe Junaid ji mute हो गए, that's okay, leave it Ashish ji, I believe he has got his answer. Okay, Sandeep ji बहुत देर से request कर रहे हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, please. तो संदीप जी आपको अनम्यूट कर दिया गया, आप प्लीज अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन रखिए। हेलो सर। हेलो सर, प्लेजर, वेलकम टू द वेबिनार, रिक्वेस्ट टू प्लीज ऑन योर कैमरा इफ पॉसिबल, प्लीज लीव माय रिक्वेस्ट। हाँ, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा सर, थोड़ा फैमिली साथ। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड सर, नॉट अ प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, लास्ट कैंडल पे मैं हमेशा अटक जाता हूँ सर, 3:30 के कैंडल पे क्या किया जाए, मतलब अगर उसको छोड़ देना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए या फिर उस पे 3:30 पे अगर अपने को ट्रेड करना है तो। नहीं, आप समझिए 3:25 पे जो सिग्नल है या उस पे अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर दो। ओके, मतलब इफ यू आर गेटिंग एन एग्जिट एट अ कैंडल बिटवीन 3:15 to 3:30, सो व्हाट इज दिस कैंडल सेइंग, इज इट सेइंग एग्जिट, सो जस्ट एग्जिट द ट्रेड। ओके, सो बट आफ्टर 3:25 इफ इट इज सेइंग सेल बाय, इट हैज नो रेलेवेंस। नहीं सर, ये तो हो गया 30:10 का बैंक निफ्टी का, राइट? सर आई वाज आस्किंग फॉर 45:15 निफ्टी का। नहीं, उस केस में फ्लैट आंसर इज 3:15 की जो, that means a candle from 3 to 3:15, ये जो 15 मिनट की कैंडल है, from 3 to 3:15 ये जो एक कैंडल बनेगी, the closing of the 3 PM candle is the decisive candle. Okay. But in that case 3:15 to 3:30 के कैंडल का कोई रेलिवेंस नहीं है। Okay. Okay, sir. It's a fake candle. Okay. पर सर उसके बाद gap up, gap down में अपना फर्क नहीं, आप न्यूट्रल हो, आपकी रिसर्च हुई हुई है, डोंट वरी, don't get into emotions now, this is what you are putting in your emotions with, right? Actually psychology meri theek hai, actually main horse riding pe run kar raha hu, intraday option buy bhi run ho raha hai, paise aa rahe hai, ye bhi run ho raha hai and 30:10 ka bank nifty bhi run ho raha hai,
सब डाइवर्सिफाई किया हुआ है, रनिंग गुड, मतलब अभी चल रहा है, पैसे अच्छे रिटर्न्स आ रहे होंगे, आए हैं उसमें बोटे रिटर्न अच्छे आए, फिर अभी फिलहाल डॉडन का चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डॉडन से भी कोई डर नहीं है। अब आप समझो, अगर आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर वैसे तो डिसाइसिव कैंडल इज द 315 टाइम, राइट राइट सर, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर 315 से 330 में कोई एक्शन आ रहा है तो यू विल नॉट टेक इट, द ओनली थिंग आई कैन रिकमेंड, हेजिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, दैट इज ऑल, राइट सर, राइट, दैट इज द ओनली वे, बट आई विल नॉट लेट यू कम इनटू इमोशंस कि सर क्या 3.5 से 3.5 पे चला जाऊं, नो, दिस इज द डिसाइसिव, अगर ये सेल पे है तो आप हेजिंग तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो, ये मंजूर है, लेकिन आप उसे बाय में नहीं लेकर जाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, एंड सर वन मोर थिंग सर, मेरा ये था कि फोटो साइड में, मतलब वन मिनट सर, मैं भूल गया था, वन मिनट, हाँ सर, मतलब मेरा ये था कि बैंक निफ्टी में 4515 का रनिंग रूट सर, 15 और 5 मिनट का मैं एंटायर भी चला रहा था, ऑटोमेट किया हुआ है इसको, पर सर वो उसमें ट्रेड बहुत ज्यादा हो जा रहे तो चार्जेस का इशू आ, तो एक काम करो ना, अपने ब्रोकर से बात करो। ओके, आप अपने ब्रोकर से नेगोशिएट करो ना, होता है सर, ज़ेरोधा से मैं कर रहा था, उससे होता है, मतलब आप ज़ेरोधा का तो मैं नहीं जानता, लेकिन नेगोशिएट सब चीज होती है बॉस। इसके लिए सर मैं आईबीएम टीम को बात कर लेता हूं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हमारे पास समय का अभाव है, और मिस्टर ए प्रफुल्ला जो कि हमारी करंट एओ बैच के भी पार्टिसिपेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो मैं प्रफुल्ला जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप प्लीज अपना सवाल डायरेक्ट सर से पूछिए। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू द वेबिनार। थैंक यू सर, थैंक यू। रिसेंटली मुझे 2 महीने पहले ही सर आईबीएम के बारे में पता चला एक्चुअली, और पहले मैंने अभी तक सर मैंने 6 स्ट्रेटजी सबसे परचेज किया हुआ है, और इसमें मैंने 2 पहले करता था, मतलब जो ऑप्शन बाइंग का पोजिशनल और इंट्राडे का हॉर्स राइडिंग, लेकिन वो मतलब बहुत, मतलब ये लगा मेरे को कि हर 15 मिनट में चेक करना, भाई आपने ली ऐसी स्ट्रेटजीज है, वो प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजीज है। हाँ, सर, लेकिन पहले तो मैं सोचा था कर पाऊंगा, लेकिन बाद में लगा कि नहीं इतना हेज में, मतलब इतना ये में नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बाद मैंने ट्रेंड ट्रेडिंग का भी लिया हुआ है और मैक्स थ्रॉबिंग का भी लिया हुआ है और बटरफ्लाई का भी लिया हुआ है और बीटा का जो क्या है कि ऑप्शन बाई ऑटोमेटेड जो बीटा अल्टीमेट जो है वो 4, मतलब वो दोनों को बंद कर दिया सर इंट्राडे वाले, मतलब इतना टाइम नहीं हो पा रहा, तो ये 4 को अभी मिला के कर रहा हूँ, अभी 3 कर रहा हूँ सर, मैक्स थ्रॉबिंग, बटरफ्लाई, ट्रेंड ट्रेडिंग, ये 3 कर रहा हूँ, और बीटा ट्रेडिंग का थोड़ा अभी लिया हुआ है 8-10 दिन पहले, उसको थोड़ा क्रॉस चेक कर रहा हूँ, मतलब लेवल। बीटा ट्रेडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है सर जी, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो उससे बड़ा रिटर्न नहीं है, नहीं है, मतलब मैंने अभी अभी रिसेंटली चेक किया था HDFC बैंक, ICICI बैंक में 4 दिन के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट 5,000-25,000 हुआ है सर, मतलब बैक टेस्टिंग के बोल रहा हूँ। उसमें ऐसे ही होता है, तो उसमें ऐसे ही होता है सर, लेकिन उस स्ट्रेटजी को पकड़ने के लिए डेल्टा, बीटा और थीटा 3 चीजें आनी चाहिए। मैं उसको अभी उस वीडियो को 4 बार देखा हूँ सर, हर स्टेप में पॉज करके देख रहा हूँ, बाद में जाएगा, अभी 4 दिन पहले एक मतलब फॉरवर्ड टेस्टिंग का जैसे किया है, नोट किया, जब एंट्री लिया उसके बाद पहला दिन 900 का लॉस, सेकंड दिन 700 का लॉस, थर्ड डे या फोर्थ डे 25,000 का प्रॉफिट, मतलब साइड है कोई है, ऐसे मेरा तो दिमाग खराब हो गया। नहीं सर, उसमें ऐसा ही है सर, क्योंकि वो इंडिविजुअल ऐसी है, दैट इज वो स्ट्रेटजी क्या है, इट्स अ पेयर ऑप्शन बाय स्ट्रेटजी, पेयर ऑप्शन है, और उसमें इन्वेस्टमेंट है, हाँ, और उसमें इन्वेस्टमेंट है 20-25,000 रुपए का, उसमें पता है क्या, उसमें पेशेंस का खेल है, पेशेंस का, क्योंकि बाजार, देखिए सॉरी फॉर माय लैंग्वेज टू एवरीवन ऑफ यू इन द वेबिनार, बाजार इनहेरेंटली बदतमीज है, कभी भी 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर, आपको शांति रखनी है बाजार के साथ, आप मत पैनिक में आओ, बाजार अपनी चाल चलेगा, अपने आप पैसे आएंगे। उसमें सर एक ही हैप्पीनेस है कि अगर एक गिरता है तो दूसरा प्रॉफिट देगा, दूसरा गिरता तो वो दोनों में, वो दोनों अपने पेयर में चलेंगे, हाँ, उन दोनों में झगड़ा चलता रहेगा, अपना प्रॉफिट निकल, अपने आप पैसे आते रहेंगे। लेकिन हाँ, मैंने उसे ज्यादा पब्लिसाइज इसलिए नहीं किया, वो बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल। नहीं नहीं सर, देखने में मजा आता है, मतलब मैं अभी ब्रेक टेस्टिंग कर रहा हूं, लेकिन उससे बढ़िया रिटर्न्स नहीं है उसे। मैं आपको एक टिप ऑफ एडवाइस देता हूं, उसमें आप उसे निफ्टी या बैंक निफ्टी पे कर सकते हो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बैंक निफ्टी को प्राइमरी प्रोडक्ट और निफ्टी को सेकेंडरी प्रोडक्ट बताना, उल्टा मत करना। कई लोग क्या करते हैं, निफ्टी को प्राइमरी बनाते हैं और बैंक निफ्टी को सेकेंडरी, यहाँ उल्टा है, यहाँ बैंक निफ्टी को प्राइमरी बनाना और निफ्टी को सेकेंडरी।
अच्छा, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में बीटा ट्रेडिंग कर रहे हो और रिटर्न्स देखकर हैरान रह जाओगे आप, इसमें बैंक निफ्टी को प्राइमरी कर देंगे, निफ्टी को सेकेंडरी कर देंगे, क्योंकि इधर एज कंपेयर टू, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर निफ्टी का बीटा 1 है तो बैंक निफ्टी का बीटा 0.5 है, 0.53, लेकिन अगर उसका उल्टा कर दूं तो बैंक निफ्टी का बीटा 1 है तो निफ्टी का बीटा 2.5 है, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट है, तो मूवमेंट उसके हिसाब से आएगा। अब आप इसका इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अब आप डेल्टा बाय करोगे मंथली का, अच्छा, और रिस्क जीरो करने के लिए बाय कर लो वीकली का हेज, अच्छा, या फिर वीकली बेच दो, तो हेज भी हो, लेकिन ध्यान से, ये बहुत डीप बात कही है मैंने आपसे, ध्यान से करना इस चीज को, मतलब और इसमें क्या है कि मैंने अब ये तीनों को क्लब करके कर रहा हूँ सर, मैक्स प्रॉबिंग, क्योंकि आपने जैसे आपका जो वीडियो सुना तो मुझे लगा मार्केट में तीन चीज काम करती है, ट्रेंड मतलब डाउन एंड अप, वोलेटिलिटी एंड जो जो छोटा वोलेटिलिटी, ये तीनों को मिला के मैंने ये तीन स्ट्रेटेजी को मिला के काम कर रहा हूँ सर। बढ़िया, अगर जब ट्रेंड आएगा तो ट्रेंड ट्रेडिंग में पैसा लूंगा, जब ट्रेंड नहीं है तो ये दोनों से पैसा लूंगा, किसमें, मैक्स प्रॉबिंग और बटरफ्लाई में, तीनों का भी कर रहा हूँ इसी के। यही बात अभी मैंने शुरू में भी बोली थी कि एक पे मत चलो, मिक्स चलो, क्योंकि मुझे किसी में से तो पैसा लेना है, मुझे ऐसा कोई रूल नहीं कि इसमें से लेना है उसमें से लेना है, मेरे खाते में पैसा आना चाहिए, बस काम खत्म। चलिए, प्लेजर सर, प्लेजर, एनीथिंग एल्स सर? क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रेटजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाए, तो डाउनलोड कीजिए IBBM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, बाई की हुई है, तो मिस्टर अभय मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने यहाँ से आपको राइट दिया है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अभय जी, वेलकम टू द वेबिनार, प्लीज बताइए। थैंक यू सर। सर आई एम ए स्टूडेंट एंड मैं आपका IBBM इंडिया जो ऐप है वो यूज कर डाउनलोड कर रखा है, उसमें काफी सारी स्ट्रेटजी है सर, मेरी एक क्वेरी है, उन स्ट्रेटजीज में मेरे लिए कौन सी बेटर रहेगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, मेरा आपको सजेशन जो रहेगा वो बटरफ्लाई पे रहेगा या मैक्स थ्रॉबिंग पे रहेगा। यू आर अ स्टूडेंट, मैं नहीं चाहता कि आप बाजार को बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट करो, लेकिन बाजार को समझो, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। देखिए, IBBM टीम के लिए कभी भी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि मैं आपको महंगी स्ट्रेटजी सजेस्ट करूं या कुछ करूं। आई वॉन्ट यू टू कंसेंट्रेट ओवर योर स्टडीज एंड योर कैरियर ऑल्सो। हालांकि मैं ये कहूंगा फ्यूचरिस्टिक बाजार एक बहुत अच्छा कैरियर है, लेकिन क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप बाजार से कंसिस्टेंट रिटर्न कमाओ और प्लस बाजार को समझो, तो द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू वुड बी बटरफ्लाई, द सेकेंड बेस्ट इज मैक्स थ्रॉबिंग। इन दोनों स्ट्रेटजीज पे कंसंट्रेशन अपना बनाकर रखिए, आगे चल के जब आप बाजार में मास्टरी करेंगे तब आप और एडवांस स्ट्रेटजीज की तरफ मूव करने के बारे में सोचिए। यू आर वेलकम टू द IBBM फैमिली एंड द मार्केट, जस्ट एक बात, अपने रूल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को कभी मत तोड़िएगा और बाजार में सट्टा कभी मत खेलिएगा, दैट इज वन थिंग। नो ट्रेड इन द मार्केट विदाउट हेजिंग फर्स्ट, फॉलो रूल्स एंड डिसिप्लिन एंड कीप योर वॉल्यूम्स इन कंट्रोल। आप 19 ईयर्स ओल्ड हो, यू डोंट नीड मच मनी, वॉट यू नीड इज टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इन द मार्केट विच यूथ हैज स्टार्टेड टू मिस नाउअडेज। तो एज अ यंगस्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन बिल्ड करने के बारे में सोचिए, जो आपको बटरफ्लाई और मैक्स थ्रॉबिंग सबसे ज्यादा देंगे। तो सर जो दो स्ट्रेटजी है वो बटरफ्लाई और मैक्स थ्रॉबिंग में सेल कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। हां, आप यूज कर सकते हो, दैट वुड गिव यू पीस एंड जीरो मार्केट टाइम। थैंक यू सो मच सर फॉर माय करियर। प्लेजर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर्स इनटू द मार्केट्स एंड योर लाइफ। सर एक बहुत ही अहम सवाल, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमारे अब्रॉड के हैं, यहाँ के नहीं है, तो वो डाओ पर भी कह रहे हैं कि क्या वो डाओ पर भी अप्लाई किया, शिकागो के कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे पास और वो ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं क्या ये डाओ पर भी एप्लीकेबल है या अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, हल्का सा पैरामीटर फर्क होगा।
they can get in touch with the IBBM team for those parameters. मैं इधर नहीं बता सकता क्योंकि we are not allowed as per SEBI rules and everything. बट हल्के से पैरामीटर्स फर्क होंगे. पैरामीटर्स इन द सेंस आप समझ रहे हो, मैंने जब निफ्टी को 45-15 क्लियर बोला और बैंक निफ्टी को 30-10 बोला, तो द ओनली थिंग इज थोड़ा सा पैरामीटराइजेशन का फर्क है, जिसके लिए वो आईबीबीएम टीम से टच इन कर सकते हैं. आईबीबीएम टीम के पास वो पैरामीटर्स अवेलेबल है, वो बता देंगे. और सर कुछ सिंसियर कैंडिडेट्स हमारे कुछ हैं जो स्लिपेज को लेके थोड़ा सा चिंतित हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर के कुछ स्लिपेज के इश्यूज को लेके वो सवाल करना चाह रहे हैं. तो इसमें क्या हो सकता था, स्लिपेज में कुछ प्रॉब्लम आएगी या जब वो फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो स्लिपेज को लेके उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, फ्यूचर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और जो स्लिपेज जिसका आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम ये है कि आप एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पे सौदा नहीं मारते. कभी आप 15-20 सेकंड ऊपर मारते हो, कभी 15-20 सेकंड नीचे मारते हो. पहली चीज, दैट इज नॉट रिकमेंडेड फर्स्ट. सेकंड, स्लिपेजेस अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो मार्केट ट्रेड करने की आदत डालो. मार्केट स्प्रेड सौदा या बिडिंग सौदा नहीं चलता बाजार में. देयर इज नथिंग लाइक बिड. देखिए, बिडिंग सौदा मैं क्यों मना करता हूं, आप क्या कर रहे हो, मान लो बैंक निफ्टी चल रही है 40,100, आप उसे मारने की कोशिश करते हो, यानी खरीदने या बेचने की कोशिश करते हो 5 पॉइंट ऊपर या 5 पॉइंट नीचे. चल यार, बेचने के लिए डालनी है ना, 40,105 डाल दे, 5 रुपए ऊपर. अब अगर बाजार ने बिकना है, पता लगा वो आपका बिकाई हुई और वहीं से बाजार बिकता 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 39,000 आ गया, यानी कि जब आप बिडिंग करते हो और वो सौदा प्रॉफिट का है, तो आपका ट्रेड गारंटीड नहीं है कि ट्रेड होगा या नहीं होगा. लेकिन अगर बाजार ने आपको लॉस की तरफ ले जाना, यानी ये उल्टा सौदा है जिसमें आपका M2M आना है या SL कटना है, तो आपका बिक जाएगा. That means bidding trading is the worst thing anybody can do into the market. Stop bid trades. Market trade करना सीखो, market पे मारो trade. और एक perfect time पे market, दिमाग मत लगाओ. कभी 20 point अच्छा मिलेगा, कभी 20 point बुरा, आपके slippages zero हो जाएंगे. लेकिन bidding पे सौदा मारोगे तो ये guarantee कर रहे हो कि loss का सौदा होगा तो मिलेगा, लेकिन profit का होगा तो miss हो जाएगा. और ये आप में से कई लोगों के साथ हुआ होगा. फिर आप लोगों ने क्या होगा, जो चीज 40,100 पे बिकनी है ना, वो 40,050 पे बेची होगी कि यार अब तो 50 पर नीचे आ गया, एज पर द रूल तो बेचनी पड़ेगी. अच्छा, बेच दे भाई. व्हाई? मार्केट ट्रेड्स, रियल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर आर मार्केट ऑर्डर ट्रेडर्स, दे आर नॉट बिड ट्रेडर्स. स्टॉप द हैबिट ऑफ बिड ट्रेडिंग. दैट इज द वे यू कैन ओनली अवॉइड स्लिपेजेस. माय अपोलॉजीज, हार्ड बट दैट्स ट्रुथ. प्लीज अप टू यू. ऑटोमेशन सर, लोग ऑटोमेशन के बारे में लगातार गेट इन टच विद द आईबीबीएम टीम, आपको सब फैसिलिटीज मिलेंगी. चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. वैसे हमारे पास अब पर्याप्त समय लगभग खत्म हो चुका है. मिस्टर विनोद चौधरी ये कुछ जानना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है. मिस्टर विनोद, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए और अपना माइक. गुड आफ्टरनून सर. वेरी गुड आफ्टरनून विनोद जी, वेलकम टू द वेबिनार. थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस वेबिनार. सर मेरा सवाल ये है, सॉरी मैं डेस्कटॉप पे हूँ तो कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज गो. थैंक यू सर. 5 मिनट्स में सिर्फ एक ही तकलीफ है कि आजकल मार्केट हमेशा ही गैप अप गैप डाउन में ओपन होता है. तो हम सबको पता है कि हमारे जो इंडिकेटर्स है ट्रेंडिंग के, वो ऑब्वियसली गैप अप खुल गया, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो बाय सिग्नल दे देंगे और ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम पे पहले सिग्नल मिलेगा. तो होता क्या है कि ज्यादातर पिछले कुछ दिनों से देखा है मैंने कि अगर मुझे 5 मिनट्स पे बाय मिल गया और मैंने ट्रेड लिया, तो मार्केट सीधा वो 5 मिनट्स भी ब्रेक नहीं करते नीचे आ जाता है. तो एज पर द रूल, या तो मुझे जब एग्जिट मिल रहा है तो निकलना पड़ेगा. तो क्या मैं एक प्रिकॉशन ले सकता हूँ कि अगर वो सस्टेन करता है 2-3 कैंडल्स को, देन ओनली आई कैन कंटिन्यू विद द लोअर फ्रेम? हाँ, लॉन्गर ट्रेड, लॉन्गर फ्रेम. हाँ, अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. और यही चीज मैंने अभी जुनैद जी को भी बताई थी, क्योंकि ही वाज अ लर्नेड इन्वेस्टर इनटू द मार्केट एंड इट सीम्स यू आर आल्सो अ लर्नेड इन्वेस्टर इनटू द मार्केट. अगर बाजार 1-1.5% मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 1% तो मिनिमम कह रहा हूँ, गैप अप या गैप डाउन लेता है, तो जब तक 3-4 कैंडल्स बड़े टाइम फ्रेम पे ना बन जाए, तब तक आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे रहो, बड़े पे शिफ्ट ही मत करो. जी,
क्योंकि उस समय आपके इंडिकेटर्स डिसबैलेंस हो चुके हैं भाई, एवरेजेस बिगड़ चुकी हैं। जी जी सॉरी सर डिस्टर्ब यू, बट काफी बार क्या होता है कि 5 मिनट की कैंडल भी वो ब्रेक नहीं करती है वही से हाँ दिक्कत नहीं है ना करके नीचे सर, समझो आप तो राइट ट्रेड में पहले से ही स्टैंडिंग हो। देखिए लेट्स सपोज 15:05 पर 9:30 पे आपने अपना सही ट्रेड ले लिया जी। अब आप कहो कि जो मैं एग्जिट करूंगा ना इंस्टेड ऑफ 15 आई वुड एग्जिट ऑन 5, मतलब आपके लिए 15 एग्जिट ही नहीं करता जब तक 15 के ऊपर 3-4 कैंडल्स ना बन जाए। ओके मतलब 5 मिनट्स में एग्जिट होना ही है एज पर रूल। हाँ, okay, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे एवरेजेस बैलेंस ना हो जाए। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। लेकिन ध्यान से विनोद सर ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने मुझसे डिस्कस किया है, बहुत ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, इट नीड्स अ ग्रेट साइकोलॉजी इनटू द मार्केट। गणेश जी को मैं लाइन पे लेना चाहूंगा। हाँ, प्लीज, काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनका हैंड रेज हुआ। गणेश जी मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अपने स्क्रीन से। जी थैंक यू जी, नमस्ते जी। नमस्ते सर, वेलकम वेलकम टू द वेबिनार सर, प्लीज बताइए। नहीं वो जो हेजिंग कर रहे हैं ना, हम वीकली का हेजिंग कर रहे हैं जी, 500 इंस्टेड ऑफ 500 पॉइंट वो हेजिंग के फायदा ही नहीं लग रहा है, मतलब वो टेस्टिंग में भी थोड़ा सा अगर 200 पॉइंट के आसपास में से हेजिंग करेंगे तो थीटा का तो लॉस ही है, मगर गैप अप गैप डाउन में सर मैं तो ये बोलूंगा उस हेजिंग को 1000 पॉइंट दूर ले जाओ। अच्छा आप समझो सर, हेजिंग का पर्पस ना आपको एक मेंटल पीस देना है। वो तो सही बात है। आप हेजिंग किस लिए करते हो? पुतिन ने यूक्रेन पे लड़ाई कर दी, मतलब रशिया अटैक्ड यूक्रेन। अच्छा इसलिए ऐसे समय के लिए मोदी जी आए। माय अपोलॉजीज, आई एम आल्सो अ बिग एडमायरर ऑफ मोदी जी, इट इज जस्ट द लैंग्वेज, सो माय सिंसियर सॉरी। मैं सिर्फ एक जर्नल बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एंजॉयिंग द वेबिनार कि भाइयों बहनों 2000 के नोट बंद। ऐसे समय के लिए आप हेजिंग करते हो। हेजिंग इज नेवर डन फॉर रेगुलर सिचुएशन सर, इन सिचुएशंस को इग्नोर करना सीखिए सर। अब मैं तो आपको डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं कि मैं हेजिंग नहीं करता, मुझे आदत है, लेकिन मैं कभी भी अपने ऑडियंस से नहीं बोलूंगा कि आप बिना हेजिंग के काम करो, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा। तो सर अगर आप 500 पॉइंट कितनी दूर की हेजिंग कर रहे हो तो बहुत बड़ी हेजिंग कर रहे हो सर मेरे लिए। वो एक बात था, और दूसरा वो जो वो हमारा जो 15 तारीख का वो जो ना चैलेंज मनी बैग, उसके बारे में भी थोड़ा आप एक्सप्लेन सर, वो अभी आशीष सर डिस्कस करेंगे, वो तो मेरे सर बाकी ये है कि इतना कह सकता हूँ, वी अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन वी प्रॉमिस समथिंग। ओके ओके ओके, और दूसरी बात आपसे पूछना था, ये हो गया हेजिंग के बारे में, बस अगर कुछ होगा तो मैं मेल करवा देता हूँ। श्योर सर, इट्स अ प्लेजर। मेल में एक बार मैंने किया था, 3-4 दिन मतलब एक हफ्ता लग गया सर, थोड़ा सा वी वर बिजी इन सम यू नो देयर वर सम कॉल्स फ्रॉम MCX तो हमें जाना पड़ गया, अदरवाइज थिंग्स डोंट गेट लेट। यूजुअली आई यूजुअली गेट इंस्टेंट मैसेजेस बट दिस टाइम हां सर वो थोड़ा सा हमें MCX का आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई अंडरस्टूड द कांसेप्ट करेक्टली और नॉट। सर तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। नहीं आप ऑलवेज वेलकम सर, क्वेश्चन पूछिए हम जवाब देंगे सर। आई रिसीव्ड योर मेल रिप्लाई यस्टरडे। परफेक्ट परफेक्ट, वेलकम, थैंक यू गौतम जैन जी, बहुत देर से क्यू में हैं, तो गौतम जैन जी मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए और सर से सवाल पूछिए जो भी आपके सवाल हैं। सर वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर एंड वेलकम टू द वेबिनार। गौतम जी इफ आई एम इफ पॉसिबल तो आप हमारे एओ बैच के कैंडिडेट हैं राइट? यस सर, यस सर, बस मैं सर की सर सर की आवाज सुना बहुत रिफ्रेश हो गया और जस्ट से टू हेलो, इसलिए मैंने आपको हैंड रेज किया सर। अरे सर एनी टाइम सर, यू कुड हैव कॉल्ड मी, आई बिलीव IBBM टीम हमेशा कनेक्ट कराएगी, माय प्रॉमिस इज ऑलवेज स्टैंडिंग। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, आई लव टू हियर योर वॉइस सो आई रेज माय हैंड। इट्स अ प्लेजर सर टू हियर यू अगेन सर। और अभी मैं आपने आपकी एक एड वाली मैंने ये देखी YouTube वीडियो, उसमें मेरा फोटो और आपका दोनों का था, तो खुश हो गया मैं देखते। सर बाकी आई होप द मार्केट इज रिस्पोंडिंग टू यू इन अ पीसफुल मैनर। यस IBBM हैज गिवन मी सम प्लेटफॉर्म, गुड प्लेटफॉर्म एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट and it's giving me rewards. Chalo sir, God grace, hopefully market never makes you look back again sir, just have your peace and volume controls. ये train trading wala future wala jo hai ye mere ab tak basket mein nahi aaya abhi tak,
कोई बात नहीं सर, आ जाएगा। हाँ बस वो अभी अगर लेने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। ओके सर, एज यू प्लीज, वेलकम। थैंक यू जी आशीष सर, व्हाट आर यू? सो नाउ सर, प्रोसीड टुवर्ड्स द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ दिस वेबिनार फॉर टुडे। सो मैं एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट फिर से वही चीज बोलूंगा। देखिए दोस्तों, बाजार कभी लॉस नहीं देता। पहली चीज तो आप अपने जीवन में एक सच्चाई जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट इज ओनली एंड ओनली मेड टू गिव यू प्रॉफिट्स। हाँ, आप में से शायद कुछ दोस्तों को लॉसेस हुए हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू वन रीजन। आपने रूल्स, डिसिप्लिन या किसी भी एक सिस्टम को कभी फॉलो नहीं किया। बाजार ना बड़ा सिस्टमैटिक प्लेस है, सिस्टमैटिक, बहुत सिस्टमैटिक। लेकिन बाजार एक ऐसी भी प्लेस है जो आपको सिस्टम तोड़ने के लिए उकसाता है। ये आप लोगों को ना एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी देने की ताकत रखता है। बाजार जिंदगी में एक डिसिप्लिन्ड आदमी भी बनाता है, पर्सन बनाता है इन द लाइफ। बाजार में यकीन मानो कभी लॉस नहीं हो सकता। मैंने अपना सब कुछ बाजार से बनाया और बहुत कुछ बनाया जो जीवन में कुछ भी नहीं था। द ओनली थिंग आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, कीप एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। जब भी आपको चीजें कंट्रोल से बाहर दिखे, अपनी स्क्रीन को जीरो करो, have a cup of tea, relax, and then restart, and you would always win. But you should always have a discipline, a rule, and a guide and a mentorship with you always. So with this, I'd like to say thank everyone who has joined with me on this webinar, dedicated their Sunday afternoons to me. Hopefully, jo main aap logo ko bataya ya aapko education di, wo aapko zindagi bhar bazaar mein kamane mein madad karegi. थैंक यू सो मच, ओवर टू यू आशीष सर। थैंक यू सो मच गाइस, और जिन लोगों का क्वेरीज आज नहीं हो पाया है, सो सॉरी फॉर दैट। आप अपनी क्वेरीज हमें मेल कर सकते हैं info@ibbm.co.in, हम उस पर रिप्लाई करेंगे फॉर श्योर। और इस तरह के वेबिनार्स हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे, और आप सभी को इसका इन्विटेशन जाता रहेगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टूडेज वेबिनार। थैंक यू।